फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। नगरीय निकायों के चुनाव उत्तर प्रदेश में आगामी नवंबर 2022 में जो है संपन्न होंगे, इस तरीके की जो है समाचार सभी अखबारों में प्रमुखता से जो है आई हुई है। और ये बात इस आधार पर भी जो सिद्ध होती है कि पिछली बार के नगरीय निकायों के चुनाव नवंबर 2017 में जो हुए थे, यानी कि 5 वर्ष के जो बाद इस बार के नगरीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। नगरीय निकाय, नगरीय निकायों के चुनाव जो है वो नवंबर 2022 में जो होंगे, और इसके पूर्व में जो है वो नवंबर 17 में हुए थे, यानी कि 5 वर्ष के बाद जो है नगरीय निकायों के चुनाव जो है दोबारा होने जा रहे हैं। यह एक फैक्ट है। और दूसरा जो फैक्ट यह है कि इस समय नगरीय निकायों की जो संख्या है वो 762 हो चुकी है। यह नगरीय निकायों की जो है संख्या 2022 में है, जबकि पिछली बार जो है नगरीय निकायों की संख्या 652 थी, यानी कि पिछले 5 वर्षों में नगरीय निकायों की संख्या अगर देखी जाए तो 110 की जो है संख्या बढ़ी हुई है, यानी कि 110 नगरीय निकाय इस बार अधिक हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार नवंबर 2022 में थोड़ा सा समय आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके के ही जो है समाचार है। और चूंकि पिछली बार नवंबर में हुआ है तो इस बार भी जो है नवंबर 2022 में जो है होने की पूरी संभावना है। तो कुल मिलाकर के ऐसे टॉपिक या संवैधानिक व्यवस्था जो चर्चा में होती है या उस वर्ष चुनाव होते हैं तो वहां से भी संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें नगरीय निकायों के संबंध में एक कॉन्सेप्ट जो है तथ्य के साथ साथ अवधारणात्मक रूप से विकसित कर लेना चाहिए, ताकि वहां से पूछे जाने वाले सवालों को हम हल कर सकें। तो कुल मिलाकर के नवंबर 2022 में 762 जो है नगरीय निकायों के लिए जो चुनाव संपन्न होंगे। अब ये नगरीय निकाय जो है वो स्थानीय सुशासन के अंतर्गत जो है आते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसे तथ्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था के रूप में देखेंगे कि स्थानीय निकाय ये किसे कहा जाता है। हमारी जो है लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करना और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्र का या उस स्थानीय क्षेत्र का विकास और प्रशासन किया जाना ही स्थानीय जो है सुशासन कहलाता है। और ये स्थानीय निकाय के अंतर्गत जो है नगरीय निकाय और नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के रूप में इसको बांटा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हो गया कि जो स्थानीय सुशासन ये दो प्रकार से बटा हुआ है, एक जो है ग्रामीण और दूसरा है शहरी। ग्रामीण और जो है शहरी दोनों क्षेत्रों में यह बटा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय सुशासन किसे कहते हैं कि भारत की जो है राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करना और उन्हें प्रतिनिधियों के द्वारा उस क्षेत्र का जो प्रशासन करना और विकास कार्यों को संपादित करना ही स्थानीय सुशासन कहलाता है। स्थानीय सुशासन दो प्रकार से है, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों के जो है स्थानीय सुशासन को जो है पंचायत कहा जाता है, और शहरी क्षेत्रों के जो है स्थानीय सुशासन को नगर पालिका कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है जो चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं वो शहरी क्षेत्रों के लिए जो है होने जा रहे हैं। थोड़ा सा और फैक्ट एंड फिगर्स को अगर हम लोग कवर करें जो है, तो ये देखने में आता है कि भारत में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के जो है माध्यम से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जिसे 1 जून 93 ईस्वी से लागू कर दिया गया है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, चूंकि अधिनियम जब
जिस वर्ष में जो है प्रारंभ किए जाते हैं उसी वर्ष से संबंधित हो जाते हैं, लेकिन उसको पारित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए उसमें समय लगता है। और वह जो है 1 जून 93 को जो है लागू कर दिया गया है। इसके माध्यम से भारतीय संविधान में 9 का ये भाग है, भाग 9 का जोड़ा गया है। और दूसरी तरफ जो है अनुसूची भाग 9 का एवं अनुसूची 12 जोड़ा गया है। यही फिर थोड़ा सा अगर हम इसको जो है देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वो भी 92 ही है, और वो जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए जो है 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के नाम से भी जो है जाना जाता है, पंचायती दिवस जो है कहा जाता है 24 अप्रैल। तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि दोनों ही जो है स्थानीय सुशासन के अंतर्गत जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बारे में जो है प्रावधान करते हैं, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि जो है ये 24 अप्रैल को जो पंचायती दिवस लागू किया गया और वो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था, जबकि नगर क्षेत्र के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसे 1 जून 1993 को लागू किया गया, इसके माध्यम से 9 का और 12 अनुसूची जोड़ेंगे। इसके अंतर्गत जो है संविधान में जो है 12वें अनुसूची के अंतर्गत जो है 18 जो है अनुच्छेद और 18 जो है विषय, ये सभी जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, यहां से सभी शिक्षकों से जो है सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो अनुसूची जो है होगी 12वीं और पंचायतों के अंतर्गत जो है वहीं पर 16 अनुच्छेद और 29 विषय हैं, यहां पर जो है 16 और यहां पे 29 है। तो यहां पे जो है देखेंगे 18 और 18 है, कहने का तात्पर्य अनुच्छेद और विषय जो है नगरीय क्षेत्रों में बराबर है लेकिन पंचायतों में एक कम है और एक ज्यादा है। थोड़ा सा याद करने के तरीके के लिए जो है सही है कि 16 अनुच्छेद और 29 विषय पंचायतों में दिया गया। हर चीज को अगर तुलना करके हम लोग देखेंगे तो इससे क्या होगा कि तुलनात्मक रूप से परीक्षा में अगर आप उत्तर लिखते तो भी आसान होगा, और दूसरी तरफ जो है अगर याद करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है आपके लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि 18 और 29 का जो है यहाँ पे आंकड़ा दिखाई पड़ता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज हम ये बताएंगे कि स्थानीय निकायों के जो है चुनाव को संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है। स्थानीय निकायों को संपन्न करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 ब्रैकेट में के ये जो है आर्टिकल है, याद कर लेना आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो है निर्देशन में काम करता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल आयुक्त हो गया और इस आयुक्त के जो है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इसको हटाने की व्यवस्था जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके से ही हटाया जा सकता है, और ऐसी जो है व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आयुक्त जो है स्वतंत्र रूप से जो है कार्य कर सके। तो कुल मिलाकर के 243 के, और दूसरा राज्य वित्त आयोग भी बनाया गया है, और राज्य वित्त जो है आयोग वित्त जो है वो फाइनेंस से संबंधित है यानी कि इनकम से संबंधित है, और इनकम का मतलब होता है आई से है, तो ये 243 जो है वो आई के अंतर्गत जो है। थोड़ा सा याद करने का एक ट्रिक है, आई पर इनकम हो गया, इनकम जो है वित्त ही जो है आयोग देखेगा, तो 243 आई के अंतर्गत जो राज्य वित्त आयोग हो गया और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के लिए। ये एक जो फैक्चुअल जो है चीजें हैं, इसको भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण जो है होगा। तो ये दोनों चीज आपको याद करना है। अब हम नगर निकायों की जो थोड़ी सी व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है वहां पे 3 तरीके के नगरीय निकायों की जो बात कही गई है, उसमें जो है एक नगर पंचायत है और दूसरा जो है नगर पालिका परिषद है
नगर पालिका परिषद है और अगला जो है वो नगर निगम है, अगला जो है वो नगर निगम है। तो इस तरीके से तीन तरीके की जो व्यवस्थाएं नगर क्षेत्रों में देखने को मिलती है, यहाँ पर जो है 5,000 से लेकर के और 20,000 तक की जनसंख्या होती है, यहाँ जो है 20,000 से लेकर के और 3,00,000 तक की जो है जनसंख्या होती है, और यह जो है 3,00,000 से जो है ऊपर की जितनी भी जो है चीजें होती हैं वो नगर निगम के अंतर्गत जो है आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में अभी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि एक संक्रमणकालीन स्थिति होती है कि ग्रामीण और नगर की दोनों की विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। छोटा क्षेत्र होता है वहां पर नगर पंचायत होता है और इन नगर पंचायतों को जो है या नगरीय निकायों को सभी को जो है निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन निर्वाचन क्षेत्रों को जो है वार्ड कहा गया है, इसे वार्ड कहा जाता है और वार्ड के सदस्य को जो है सभासद कहा जाता है। ये सभासद जो है कहा जाता है, ये सभी प्रत्यक्ष रूप से जो है चुने जाते हैं, इनका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का तात्पर्य है कि जब प्रतिनिधियों की चुनाव जनता सीधे करती है तो उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। और दूसरी तरफ अध्यक्षों का चुनाव, यहाँ पे सभी जो अध्यक्ष जो होते हैं उसे अध्यक्ष का भी चुनाव जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से ही होता है। इन अध्यक्ष का चुनाव भी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ही जो किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से ही जो इनका चुनाव यहाँ पे किया जाता है। अब अध्यक्ष में जो है नगर निगम के जो है अध्यक्ष को, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो है महापौर होता है और यहाँ पे जो है चेयरमैन होते हैं, यहाँ पे भी चेयरमैन जो है होते हैं। तो कुल मिलाकर के नगरीय क्षेत्रों में जो चुनाव होते हैं वहाँ पे सदस्य जिन्हें की जो है वार्ड में होते हैं और सभासद कहा जाता है उनका भी प्रत्यक्ष रूप से, और जो अध्यक्ष होते हैं उनका भी चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से ही जो है किया जाता है। जबकि जब हम पंचायतों में आते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो निचले स्तर पर ग्राम सभा होती, ग्राम पंचायत होता है, वहां पे जो है सदस्य का चुनाव और अध्यक्ष का चुनाव जिसे प्रधान कहा जाता है, दोनों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत जो होता है उसके सदस्य जो है चुने जाते हैं और उन सदस्यों के द्वारा जो अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसी तरीके से क्षेत्र पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता करती है और उन सदस्यों के द्वारा जो है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जिसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम पंचायतों में देखते हैं तो मध्यवर्ती स्तर और उच्च स्तर यानी कि जिले और मध्यवर्ती स्तर पर जो है यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि जो है नगरीय क्षेत्रों में सभी जगहों पे अध्यक्ष और सदस्य सबका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से ही होता है। तो कुल मिलाकर के 5,000 से लेकर के जो है 20,000 तक और यहाँ 20,000 से लेकर के जो है 3,00,000 तक सदस्य होते हैं और यहाँ 3,00,000 से ऊपर होते हैं। तो ऐसे जो है नगरीय निकाय जहाँ पे 3,00,000 से अधिक जनसंख्या होती है जैसे नगर निगम है, तो यहाँ पर जो है वार्ड समिति भी बनाई जाती है जो कि वार्डों से मिलकर के जो है बनी होती है, समितियां होती है जो कि वार्डों से मिलकर के बनी होती है। नगर ये नगर निकाय की जो है महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ पे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जो है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के जो है सदस्य जो है इसमें राज्यसभा के सदस्यों का जो है प्रतिनिधित्व होता है कुल मिला करके, इसलिए इसको प्रतिनिधित्व दिया जाता है ताकि उनको भी जो है उनके समृद्ध होने से जो है इसको और इसके आधार को व्यापक और समृद्ध जो है बनाया जाना संभव हो सके। तो कुल मिला करके जो ये सारी जो व्यवस्था नगरीय निकायों के संदर्भ में भारत में पाई जाती है, इनकी योजना बनाने के लिए जो है जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति होती है। जिला योजना समिति में नगर पालिका और जिला पंचायत के द्वारा जो है संयुक्त रूप से कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं विकास की योजनाएं, और महानगर जो योजना समिति होती है उसमें केवल नगरीय महानगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए होता है। तो कुल मिलाकर के जो है आज के संक्षिप्त लेक्चर में हम लोगों ने जो है स्थानीय सुशासन के अंतर्गत जो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र की स्थानीय सुशासन व्यवस्था जिसे नगर पालिका कहा जाता है उसको देखा, और यह नगर पालिका जो व्यवस्था है 243 से लेकर के 243 जो है जेड
245 ZG तक जो है पाया जाता है, ये मिला करके जो 16 अनुच्छेद हो जाते हैं, इसके माध्यम से जो है नगर पालिका के क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र के बारे में जो प्रावधान किया गया है और इसके माध्यम से त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था बनाई गई है जिसको हम लोग नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के रूप में जो है देखते हैं। तो कुल मिलाकर के एक इससे समझ आपको जो विकसित हो गई होगी कि नगरीय निकाय जो है किस रूप में काम करते हैं, इनका जो क्या क्षेत्र होता है, क्या जनसंख्या होता है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को जो क्या कहा जाता है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं या एक सजग नागरिक हैं तो निश्चित तौर पर आपको रुचि भी रखनी चाहिए देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और कम से कम आगामी होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव के बारे में इतनी जानकारी भी होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।